बच्चों, तो बेसिकली मैग्नेट जी से क्वेश्चन पूछा है, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 केल्विन टू 1500 केल्विन टेम्परेचर इन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज, कौन सी रिएक्शन जो है 900 केल्विन से लेकर 1500 केल्विन के बीच में नहीं होती है ना। यदि हम डायग्राम से देखेंगे तो डायग्राम में क्लियरली समझ में आएगा हमें कि ये जो है, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज समवेयर अराउंड 900 केल्विन के आसपास का ये एरिया है। तो ये 900 केल्विन से लेके और यहाँ पे ये हम 1500 केल्विन तक आए, तो तीनों रिएक्शन दी हुई है। कौन कौन सी रिएक्शन दी हुई बेटा, देखो, सी प्लस ओ टू गिव्स यू सीओ टू, एफ ई ओ प्लस सी ओ गिविंग यू एफ ई प्लस सीओ टू, एंड सी ए ओ प्लस एस आई ओ टू गिविंग यू स्लैग, एक्चुअली है ना, सी ए एस आई ओ थ्री। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है, क्लियरली दी हुई है। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है कि एट 500 टू 800 केल्विन कौन सी रिएक्शन होती है, F2O3 plus CO giving you 2FeO plus CO2 है ना, ये वाली रिएक्शन F2O3 plus CO giving you 2FeO plus CO2 है ना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।